इंदौर में रफ्तार ने ऐसा कहर बरपाया कि बेकसूर लोग हादसे का शिकार बन गए। और फिर याद आ गया पुणे का पोर्शे वाला कांड। जी हाँ, तस्वीरों में नजर आ रही ये वही BMW कार है जिसने देर रात तेज रफ्तार से स्कूटी सवार दो महिलाओं को अपना शिकार बना डाला। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर जल्दबाजी में जा रहा था, जिसके कारण उसने रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाई और गाड़ी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि स्कूटी सवार महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल इस मामले को देखते हुए पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कल एक दुखद घटना की सूचना प्राप्त हुई खजराना थाने पर। देर रात जो है एक एक्टिवा पे सवार दो लड़कियों को एक फोर व्हीलर BMW गाड़ी जो है उसने एक्सीडेंट किया, टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। सुबह तड़के जो है उपचार के दौरान दोनों लड़कियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें मर्ग पंजीबद्ध करने पश्चात FIR दर्ज कर ली गई है। BMW गाड़ी जो है वो अभी जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है, गाड़ी आइडेंटिफाइड है। आपको बता दें, इंदौर में हुए इस हादसे ने पुणे के पोर्शे हादसे की याद दिला दी, क्योंकि ये हादसा भी इंदौर में वैसे ही देर रात को हुआ जैसे पुणे में हुआ था। इंदौर में देर रात को इस BMW चलाने वाले शख्स ने न रफ्तार का ध्यान रखा, न इस बात का ध्यान रखा कि उसकी इस तेज रफ्तार का कैसे कहर दो जिंदगियों पर भारी पड़ जाएगा। इस हादसे ने इंदौर वालों को झकझोर दिया। फिलहाल पुलिस आगे भी जांच की बात कर रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।